Assalamualaikum dear student, how are you? Welcome you Superior Group of College Learning Management System. बेटा आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे या दो सब डिवीजन पढ़ेंगे, एक लाइकोप्सिडा और दूसरा स्फियानोप्सिडा। ये सब डिवीजन एंटीकोफाइट्स की, इनमें अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम बहुत दफा बोर्ड में आते हैं इस चैप्टर में से। लाइकोप्सिडा बेटा, लाइकोप्सिडा का जो स्पोरोफाइट है दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू टू रूट स्टेम और लीफ, यानी कि ये पहला ग्रुप है जिसमें स्टेम भी प्रेजेंट है, जिसमें रूट्स भी प्रेजेंट हैं और जिसमें लीफ भी प्रेजेंट है। और इनके जो लीव्स हैं वो माइक्रोफिल कहलाते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि ये माइक्रोफिल्स हैं। माइक्रोफिल्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें सिंगल वेन जो है वो प्रेजेंट है, लीफ के अंदर एक वेन जो है वो प्रेजेंट है। लीफ अगर आप देखें तो लीफ जो है वो ऑपोजिट अरेंजमेंट भी है, उनकी स्पाइरल अरेंजमेंट भी है, यानी कि वो स्पाइरल शेप भी है जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, और वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं कि वो एक दूसरे के। स्पाइरल का मतलब ये है कि ये स्टेम है, एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, जबकि जो ऑपोजिट होते हैं वो एक यहाँ पे तो दूसरा उसके ऑपोजिट साइड पे, तो ये दोनों अरेंजमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है। इसमें स्टोबिलाई बनती है क्योंकि इनके जो स्पोरेंजियास होते हैं वो ऑन द टिप वाले जो लीव्स हैं उनके ऊपर होते हैं और उनकी बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं अपर साइड पे। जैसे ये एक माइक्रोफिल है तो इस जगह के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, तो इसलिए ये जो लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया होते हैं इनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। और स्पोरोफिल जो है वो मे और मे नॉट रेडी टू फॉर्म स्टोबिलाई, वो आपस में कॉम्पैक्टली मिलते हैं और टिप ऑफ द प्लांट के ऊपर जैसे ये आपको नजर आ रहा है स्टोबिलाई बन जाती है। ये बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, लेकिन मोस्ट मेंबर जो लाइकोप्सिडा के हैं उनमें ये स्टोबिलाई बनती है। अब इस स्टोबिलाई की बेस के ऊपर जो लाइकोप्सिडा है इसके मेंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनमें से जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस प्लांट है। होमोस्पोरस प्लांट का मतलब ये है कि दैट प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर इन देयर स्ट्रोबेलाई। ये इनकी स्ट्रोबेलाई, यानी कि ये स्ट्रोबेलाई है, ये स्पोरोफिल है इसका, तो इसके अंदर जो स्पोरेंजिया है दैट ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर, तो ऐसे प्लांट को हम होमोस्पोरस प्लांट और इस फिनोमेना को होमोस्पोरी कहते हैं। जबकि इसका दूसरा मेंबर जो कि स्नेजिनेला है, स्नेजिनेला जो है दैट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर विद इन देयर स्टोबिलाई। वो जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि जो मेल स्पोर्स हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो फीमेल स्पोर्स हैं वो मेगा स्पोर्स कहलाते हैं जैसे ये आपको नजर भी आ रहा है, एंड दे आर प्रोड्यूस विद इन मेगा स्पोरेंजिया, दे आर प्रोड्यूस विद इन मेगा स्पोरेंजिया। तो इस तरीके से इसमें दो टाइप ऑफ स्पोरेंजिया बन गई, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, और दो ही काइंड के स्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हुए और मेगास्पोर जो कि मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हुए, और जिन लीव्स के साथ, क्योंकि लीव्स को हमने स्पोरोफिल कहा, तो अगर उस लीव के साथ माइक्रोस्पोरेंजिया है तो फिर उस सूरत में ये माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगा, और अगर उसके साथ मेगास्पोरेंजिया है तो ये मेगास्पोरोफिल कहलाएगा। ये जो फिनोमेना है प्रोड्यूस ऑफ टू काइंड ऑफ स्पोर्स इट इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरस प्लांट, और इस फिनोमेना को हेट्रोस्पोरी कहते हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द सीड प्लांट्स। जो स्पर्मेटोफाइट एंड यानी कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ये दोनों काइंड है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है उनमें प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से ये जो फिनोमेना है सीड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये सीड प्लांट्स का ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अब जो लाइकोपोर्स हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉसेस कहलाते हैं। ये जो स्पाइक और क्लब जो है ये इसकी स्ट्रोबेलाई, अगर आप स्ट्रोबेलाई को देखें तो ये स्पाइक शेप है या ये क्लब शेप है, कि नीचे से ब्रॉड है ऊपर से ये थोड़ी सी नैरो होती जाती है, तो जैसे क्लब
होता है, ये जो गोल्फर के पास स्टिक होती है उसको हम क्लब कहते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये इसको नाम दिया गया है। अब अगर हम इनका गैमेटोफाइट देखें लाइकोपोड्स का, तो गैमेटोफाइट जो है वो मेनली अंडरग्राउंड होता है। जब ये ग्रो करते हैं तो ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट बना, ये फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसे ही ये जो है ये गैमेटोफाइट है लाइकोपोड्स का और ये गैमेटोफाइट है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के बनेंगे, यहाँ पे वन काइंड क्योंकि ये होमोस्पोरस है और ये हेटरोस्पोरस प्लांट होने की वजह से यहाँ पे दो तरह के बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, दो तरह के गैमेटोफाइट्स बनते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट था हमारा टॉपिक वो था स्पियानोसीडा, जिनको हम हॉर्स टेल कहते हैं। हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं कि इनके जो हेयर्स होते हैं ये उनकी हॉर्स की टेल की तरह के होते हैं, तो इनके जो लीव्स हैं वो रिजेंबल करते हैं उनके साथ, तो इस वजह से ये भी स्पोरोफाइट है, जो कि रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और लीफ जो है वो एक्सपेंडेड है स्केल लाइक, और इस तरीके से ये वॉल्स की सूरत में होते हैं, तो इस वजह से क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं और प्लांट बॉडी है जो होल प्लांट होता है दैट हैव मेनी जॉइंट्स, तो इस वजह से इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के आर्थ्रोफाइट, आर्थ्रो का मीन जॉइंटेड, फाइट मीन प्लांट्स, तो आर्थ्रोफाइट वो प्लांट जिनकी होल बॉडी जो है ऑफ द प्लांट That have large number of joints, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं इनके leaves जो हैं, उनके ऊपर भी joints हैं, इसके stems के ऊपर node और internode की सूरत में joints होते हैं, और leaves जो हैं वो whorls की सूरत में आपको नजर आ रही हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाए arthrophytes। अब stem जो होता है वो भी इनका smooth नहीं है, rounded नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी ridges और furrows जो हैं वो present होते हैं, यानी कि stem गोल है, गोल बिल्कुल नहीं है बल्कि उसके अंदर रिजिस और फॉरस, यानी कि उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं रिजिस और फॉरस प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रोबेलाई है इसकी, क्योंकि स्पोरेंजिया जो है वो हमेशा स्ट्रोबेलाई में प्रोड्यूस होते हैं इन प्लांट्स के, तो स्ट्रोबेलाई को अगर हम देखें तो वो भूरी है, थोड़ी सी हार्ड होती है, और उसकी बेस के ऊपर स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो ये इसकी स्पोरेंजियोफोर है, यहां भी आप देखेंगे स्पोरेंजियम है, तो ये बेस स्पोरेंजियोफोर है, ये जरा एक्सपेंड करके दिखाएगी, तो ये मेन एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर ये स्पोरेंजियोफोर है, और यहां पे ये आपको नजर आ रहा है ये स्पोरेंजिया है, तो ऐसे ये ऊपर से लीफ एक्सपेंड हो गया इनका, हार्ड हो गया, और ये स्टॉक, जिस स्टॉक को हम क्या कह रहे हैं स्पोरेंजियोफोर, और फिर इनकी अंडर सरफेस के ऊपर इस जगह पे जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन गई ऊपर से, तो उसके अंदर साइड के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जरा और इसका एक एंड जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में आप देखें, ये स्पोरेंजियोफोर है और ये स्पोरेंजिया है, ये ऊपर से डिस्क है जो कि एक्सपैंड हो चुकी है जिसके अंडर साइड, लिहाजा मोर प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है इस तरीके से स्पोरेंजिया को। और जब स्पोरेंजिया जो है उनमें म्योसिस होती है तो दे प्रोड्यूस द स्पोर्स, और स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो अमूमन क्ले या मड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्ले सॉइल या मड के अंदर, जो कि इक्विसिटम इसकी एग्जांपल है, उसमें आपको फिर आर्चिगोनियम नजर आ रही है, आर्चिगोनियम के अंदर रह गया है, और ये एंथ्रीडियम है जिसके अंदर जो वो एंथ्रीडियम या स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, ये मच्योर है और ये यहां से फिर इस तरीके से ये प्रोड्यूस हुए, और उसके साथ साथ जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ये एग जो है जायगोट बना और एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, और फिर यहीं से ये जर्मिनेट कर देता है और इस तरीके से बनाता है। अब अगर हम लाइफ साइकिल देखें जरा ब्रॉडली, तो ये प्लांट है, रूट स्टेम और लीफ इसमें प्रेजेंट है, ऊपर स्ट्रोबेलाई है जो कि स्पोरोफिल से बनी है, एक अगर हम उसकी ब्रांच को देखते हैं तो ये स्पोरेंजियोफोर है, और फिर ये स्पोरेंजियाज हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, स्पोर्स जो है उन्होंने जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना दिया, गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम में एग और एंथ्रीडियम में स्पर्म प्रोड्यूस हुए, और फिर फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जायगोट, और गैमेटोफाइट के अंदर से फिर
जाइगोट जो है वो जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बनाएगा और इस तरह से वेजिटेटिव शूट बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशोखरम रखे। अल्लाह।